हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैथ के कुछ क्वेश्चन जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित 61 विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क माफी सीटों को दर्शाता है। 60 का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 15,000, एम में एम टेक और एम कॉम में एक साथ मिलकर कितनी की छूट की गई? तो 15,000 कितनी है छात्रों की संख्या है? ये 100% बराबर है। किसके बारे में पूछा है? एम टेक। एम टेक मतलब इसके बारे में, और एम कॉम इसके बारे में। 30 और 45, 30 और 15 45, तो 15,000 का 45% ये अपन को पूछा है। 2 0 से 2 0, 15 × 45, 15 इसको 45 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6,750, 6,750, 150 को 45 से मल्टीप्लाई करने पर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, 10,000 अंकित मूल्य वाली एक घड़ी को 40% और के प्रतिशत की कार्मिक छूट उपलब्ध है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 2400 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले 10,000 पर अपन 40% की छूट देते हैं। 10,000 × 40% की छूट दे दिए, मतलब 60/2, 2 0 से 2 0, तो गाड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 6,000। अपन को कितने में बेच रहे हैं? अपन 2400 में बेच रहे हैं, तो 6,000 − 2400, तो 3600 की छूट और देनी पड़ेगी। तो 3600 की छूट अपन को किस पे देनी पड़ेगी? 6,000 पे। 3600 बटा 6,000 × 100, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 360, 660% की दूसरी छूट। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, a² + b² = 50। a² + b² = 50, 50 और a × b = 7, a × b = 7। तो अपन को मान निकालना है a+b और a-b। तो a+b का मान निकालने के लिए a² + b² + 2ab, तो इसका मान निकालने के लिए अक्ष स्क्वायर मान लेते हैं अपन। इसको कहा जाएगा 50 + 2ab, मतलब 7 × 2 = 14। तो अक्ष स्क्वायर बराबर 64, अक्ष बराबर हो जाएगा 8, अक्ष बराबर 8 का मतलब a+b का मान हो जाएगा, a+b मान लेते हैं यहाँ पे, a+b² = हो जाएगा 50 + 14, a+b = हो जाएगा 8। अब अपन को निकालना है a − b², तो a² + b² − 2ab, तो इसका हो जाएगा 50 − 14, तो a − b = हो जाएगा 6। तो a − b 6/a+b 8, तो 6/8, तो इसका मान हो जाएगा 3/4। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 70 मानों का औसत 40 है, प्रत्येक मान को 20 से गुना कर दिया जाता है, तो परिवर्तन औसत कितना होगा? तो औसत कितना था पहले? 40, 40 को अपन प्रत्येक को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 800, तो 800 इसका आ जाएगा औसत। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट एक राज्य के 6 जिले ए से एफ के लिए विद्युत के प्रतिशत विवरण दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्पादित यूनिट कुल 5,400 है, 5,400 कुल है, 5,400 बटा 100 × तो सी वाला, ई वाला और ई वाला में औसत कुल कितने? तो 36%, 36 + 12 + 4, 36 और 4 = 40, 40 और 12 = 52, 52/3, ये इसका हो जाएगा औसत। तो ये हो जाएगा 52/3, 2 0 से 2 0, 54/18 से चला जाएगा 3 बार, तो 52 × 18, 9,36 इसका आ जाएगा
936 आ जाएगा इसका। और आगे देख के स्टूडेंट, छठवा क्वेश्चन, 0.25 और 0.64 का मध्यानुपाति याद कीजिए। तो मध्यानुपाति का फॉर्मूला होता है रूट ए और बी। तो रूट रूट ए का मान कितना है 0.25, तो 0.25 इंटू 0.64, तो इसका आ जाएगा 0.5 इंटू 0.8। तो 0.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दो कुर्सियों और तीन मेजों की कीमत 1450 है। 1450 है, तो दो चेयर प्लस तीन मेज मतलब टेबल बराबर कितना है मूल्य 1450। ये हो गया पहला समीकरण। और एक मेज से कम है मतलब एक टेबल माइनस चेयर बराबर कितना है 250। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो समीकरण एक को दो से मल्टीप्लाई करके, एक समीकरण दो को दो से मल्टीप्लाई करके एक में जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 5t। समीकरण दो को दो से मल्टीप्लाई करके एक में जोड़ना है, तो 5t बराबर 1950। टी बराबर हो जाएगा 390। आगे देखिए स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, गांव की जनसंख्या 75,000 है जो प्रतिवर्ष 1,000 की दर से घट रही है। यदि गांव बी की जनसंख्या 54,000 है जो प्रतिवर्ष 800 की दर से बढ़ रही है, तो कितने वर्ष में गांव की जनसंख्या समान हो जाएगी। तो यह 75,000 माइनस 1,000 एन अपन साल मान लेते हैं बराबर 54,000 माइनस 800, 54,000 प्लस 800 एन, तो ये हो जाएगी 1800 एन बराबर 75,000 माइनस 54,000 एन बराबर हो जाएगी 18,000 बटा 1800, तो हो जाएगा 10 वर्ष के अंदर। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक बंद गनाब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 16, 12 और 8 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 और 12 192 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 12 और 8 96 प्लस ऊंचाई और लंबाई 16 और 8 128, तो 2 192 128 और 96 इन सबको जोड़ने पर आएगा 416। 2 इंटू 416 बराबर आएगा 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।